उसमें भी 4 महीने आचार संहिता में निकल गए, उसके बावजूद हमने वहां पे 26 जो वार्मर थे उनको ठीक कर दिया। अभी वहां सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम मैंने कहा था उस दिन भी 10 दिन में शुरू हो जाएगा, उसका ऑलमोस्ट काम पूरा है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम शुरू हो जाएगा। वहां पे हमने 9 नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी लगाए हैं। अभी वहां पे जो इन्फेक्शन मॉनिटरिंग का काम है उसको हमने जनरल वार्ड और ओटीम वो महीने में एक बार और आईसीयू के अंदर महीने में 2 बार वो निश्चित कर दिया है। जितने भी इक्विपमेंट खराब होते रहते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ रुपया जारी कर दिया। सेपरेट ओपीडी बच्चों का, सेपरेट इम्यूनाइजेशन क्लिनिक, ये सारे काम हमने किए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम सुधार नहीं कर रहे हैं, जो भी खिड़की दरवाजे टूटे हुए उनको ठीक कर रहे हैं। आज बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी है, और राजनीति करनी है तो फिर हमारे सवालों का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। हमने शिशु मृत्यु दर में कमी इस एक साल में हम लेके आए हैं। अगर प्रयास नहीं होते, आप जिस तरह के आंकड़े 5 साल के उठा के देखो, 7.62% 2014 के अंदर, 60.17% 2015 के अंदर, 6.16% 2017 के अंदर, 2018 के अंदर 6.11%, और हम उसको 5.5 पे लेके आए। तो अगर सुधार का काम नहीं करते, एक भी बच्चे की जान जाए वो हमारे लिए दुख का कारण है। अब इन्होंने उसको जिस वार्ड के अंदर आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे होते हैं, हम उनके पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते ताकि संक्रमण नहीं फैले, इन्फेक्शन नहीं फैले, क्योंकि वैसे ही खतरे की स्थिति में बच्चा आता है। उस वार्ड के अंदर जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जूते चप्पल लेके घुस रहे हैं, क्या उससे बच्चों की जान को खतरा नहीं पैदा होगा? और बच्चे अगर मरेंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आप वहां गैस के सिलेंडरों को धक्का मुक्की करके ऑक्सीजन के सिलेंडर को गिरा रहे हो, अव्यवस्था पैदा कर रहे हो, एक गंदी राजनीति करने के लिए। बच्चों की मौत पे किसको खुशी होगी? हमें भी दुख है, लेकिन सच्चाई ये है कि किस कंडीशन में बच्चा वहां आता है। हमारा काम क्लिनिकल सपोर्ट देने का है। जब बच्चा 6 महीने में पैदा हो गया, 7 महीने में पैदा हो गया, अंडरवेट पैदा हो गया, इन्फेक्शन में आया है, वहां पे ऐसा सीवियर इन्फेक्शन है जो लंग्स में है या ब्रेन के अंदर है, अब उसकी ऑडिट चाहे तो बीजेपी करा ले। ये बच्चों की कंडीशन क्या बचने लायक थी और हमने नहीं बचाया हो, एक तो सवाल ये है। जब बचने वाली कंडीशन वाले बच्चे, हमने सबको बचाया, लाख कोशिश करने के बावजूद भी डॉक्टर किसी बच्चे को नहीं मारता, ये मेरा मानना है, और हमको शंका करनी भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली इलाज तो डॉक्टर ही करेगा, और जो सुविधाएं हमारे पास है अगर उसमें कुछ समय समय पर खराब होती रहती है तो उसके मेंटेनेंस का पैसा जारी होना चाहिए, वो पैसा हमने जारी कर दिया। चाहे वार्मर हो, चाहे आपके ये इसको वेंटिलेटर हो, नेबुलाइजर हो, ये खराब होते रहते हैं, इनको ठीक भी करते रहते हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का काम अगर आप एनुअल और पीरियोडिक मेंटेनेंस वो आप निश्चित करते हो और इन्फेक्शन को मॉनिटर करते रहते हो, तो मेरे ख्याल से कैजुअलिटी में कमी आती है, उसको हमने एड्रेस किया है। कारण क्या माने, ये जो डेथ हो रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन में पैदा होते हैं, 18 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में पैदा होते हैं, जो मैंने बताया आपको, मदर का हीमोग्लोबिन कम होता है कई बार, उसका असर सीधा बच्चे की सेहत पे पड़ता है, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है 7 महीने का 9 महीने की बजाय, अंडरवेट पैदा होता है, 600 ग्राम का बच्चा है, उसको बचाना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है, लेकिन समय पे आप लेके आते हो। हमारा काम थर्ड फेज में शुरू होता है, पहले जहां बच्चा जन्म लेता है तत्काल उनको निर्णय लेना पड़ता है कि हमको अस्पताल में ले जाना है बच्चे को, उस निर्णय लेने में वो विलंब करते हैं, उसके बाद में वो कैसे बच्चे को लेके आते हैं, उसको ढक्के लाना चाहिए, ऐसे व्हीकल के अंदर लेके आए जहां उसको ठंड नहीं लगे, सर्दी का मौसम है, बच्चे को अगर आप सुरक्षित रूप से अस्पताल लेके आएंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी उसकी जान बचाने में। थर्ड फेज में क्लिनिकल सपोर्ट आता है, उसके अंदर हमारी इक्विपमेंट ठीक रहे, अस्पताल की कंडीशन ठीक रहे, वहां की जो इन्फेक्शन की स्थिति है उसको हम कंट्रोल कर लें, जो इक्विपमेंट खराब पड़े हैं उनकी मेंटेनेंस हो जाए, ये तो काम चिकित्सालय में डॉक्टरों का काम। देखिए, मैं तो अपील करना चाहता हूँ अभिभावकों को, एक भी बच्चे की जान जाती है हमारे लिए तकलीफ का कारण बनती है, और पूरी संवेदना है सरकार की
उन बच्चों के साथ है, परिवारों के साथ है, लेकिन थोड़ा सा जागरूक उनको होना पड़ेगा। समय पे अगर आप चिकित्सालय लेके आएंगे तो बच्चे की जान बचाने का प्रयास हमारा विभाग करेगा, डॉक्टर करेंगे, ये उन पर भरोसा होना चाहिए। और बचा भी रहे हैं, जब 18 लाख बच्चों में से 17 लाख बच्चों को हम बचा रहे हैं वो कोई चर्चा नहीं है। जब क्रिटिकल केसेस आते हैं तो वो अपने आप में, मैं देख के आया खुद 600 ग्राम के बच्चे को किस ढंग से वार्मर पे रख के, वेंटिलेटर पे रख के, नेबुलाइजिंग करके और उसकी जान को बचाने की कोशिश हमारे डॉक्टर कर रहे थे। तो अब आप वहाँ भय का वातावरण पैदा कर दो, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाए, डॉक्टर्स और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो डिमोरलाइज हो जाएगा मान लो, तो ये चिकित्सा की व्यवस्था ज़्यादा चरमराएगी कि नहीं? तो ये तो कम से कम बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए।